हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं बिंदी के बारे में। ये जो गाना है पवनदीप राजन की तरफ से आया हुआ है और जी म्यूजिक इतने बड़े म्यूजिक लेवल की तरफ से आया है। और फ्रेंड्स, मैं सच कहूं तो इस गाने का इंतजार कर रही थी मैं, क्योंकि अचानक से एक इन्फॉर्मेशन आती है कि बस कमिंग टुमारो, रिलीजिंग टुमारो, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि चलो भाई 15 तारीख को पवन का नया गाना सुनना और देखना मिलने वाला है। इसके पहले जो लास्ट सॉन्ग हमने देखा था, ये दिल मेरा, ये सर्टनली उससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मैंने कई अपने स्टोरीज में दी है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद पवन की आवाज़ नॉन फिल्मी में ये दिखाई दे रही है। सर्टनली बहुत सारे सॉन्ग्स, चाहे वो चॉकलेट पाई की तरफ से पापा हो या फिर बेड़ूपाको हो या फिर कह दो हो, ये सब सॉन्ग्स अलग अलग रूप लेकर आते हैं। लेकिन इस सॉन्ग में अगर मैं कहूँ तो बड़ा मल्टीलिंगुअल सॉन्ग हो गया ये वाला गाना। ओके, मतलब कैसे हुआ है, हिंदी भी है, पंजाबी भी है, इंग्लिश भी है, और पवन के पास एक अलग सी लैंग्वेज है जो लोगों के दिलों तक पहुँचती है। और वो साइन लैंग्वेज है या वर्ड वाली लैंग्वेज है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मल्टीलिंगुअल सॉन्ग लगा है ये मुझको और अच्छा लगा है। सर्टनली इसमें जो उनके साथ गाती हैं वो इंग्लिश में उनके वर्ड्स आते हैं, हिंदी में भी आते हैं और फिर पंजाबी में खुद पवनदीप गाते हैं, तो हर एक का अपना अपना इम्पैक्ट आता है। इनफैक्ट सोनल की आवाज़ मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी है, बहुत सधी हुई लगी है और अच्छा गाया है। और जब ये डुएट बनकर आता है तो और सुंदर लगता है। जहाँ तक बात आती है पवनदीप और सोनल की, तो ये जोड़ी, सिंगिंग जोड़ी अच्छी लगी है। इट्स अ गुड एक्सपेरिमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि पवनदीप को अलग अलग सिंगर्स के साथ जब वो गाएंगे तो सर्टनली आप हर बार नए कोलैबोरेशन से कुछ नई यादें अपने साथ जोड़ते हुए चलते हैं, तो मुझे ये कोलैबोरेशन बहुत अच्छा लगा है। जहाँ तक बात करती हूँ इसकी एक्टिंग की, तो मुझे सोनल बहुत सुंदर लगी है, बहुत प्यारी सी लगी है, लेकिन हीरो मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि अरे यार पवन को ही ले लेते, मतलब अच्छा है अभिनंदन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है ना, वो आवाज़ पवन की आती है तो हमारे मन से एक और आवाज़ आती है, पवन को ही ले लो। तो अगली बार सोनल जब भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो पवन को ट्राई तो करो, वो बहुत क्यूट लगता है कैमरा पर। और मैं ये एक बार दो बार के लिए नहीं, जितनी भी बार, जितने भी वीडियो में सोनल आप और म्यूजिक कंपनी देख रही है उसमें देखना, पवन का लुक बहुत क्यूट आया है। तो कहाँ, मतलब क्यों किसी और हीरो को लेना है, ले लो ना पवन को, अच्छा लगता है कैमरा पर। सो ऐसा मुझे ओवरऑल एक ये थोड़ा सा लगा कि काश, बट ठीक है ले लेते यार, क्या चला जाता आप लोगों का। इट इज़ ओवरऑल अ गुड सॉन्ग, बहुत सिंपल से सॉन्ग्स लगे हैं, मीनिंगफुल भी उसका एक एक मीनिंगफुल लगे हैं उसके वर्ड्स भी। बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर फिर भी कहना चाहूँगी कि पवनदीप का जो जो उनके अंदर की कला है या जो उनके अंदर का पोटेंशियल है, मेरे हिसाब से सोनल थोड़ा सा और डिफिकल्ट सॉन्ग दे देते तो पवन वो वाला भी उतनी ही परफेक्शन से गा लेते, क्योंकि पंजाबी उनकी भाषा नहीं है, फिर भी इतने सुंदर तरीके से उन्होंने पंजाबी वर्ड्स को भी अपने अपनाया है और उसे गाया है। तो सोनल, पवनदीप एक ऐसा हीरा है कि आप उसके ऊपर जितनी भी उसे घिसोगे ना उतनी चमक वो बिखेरेगा। तो और डिफिकल्ट सॉन्ग दे दो उसको, वो और सुंदर तरीके से गाएगा, क्योंकि अब ये कोलैबोरेशन मैं और भी देखना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, गाना मुझे अच्छा लगा है, कई बार सुनती आई हूँ मैं, सुन रही हूँ मैं, सुनने वाली हूँ मैं, तो सुनिएगा ज़रूर, अच्छा लगा है। और हाँ, इसके अलावा भी जो दो सॉन्ग्स और रिलीज़ हुए हैं सम्यक के और एक और जो दानिश और फैज़ का, उसका फिर भी आपके सामने लेकर आ ही रही हूँ। जय हिंद।